सिचुएशन कुछ ऐसी है दूध उबल गया तो आपकी बातों के चक्कर में जो है ना दूध उबल गया थोड़ा सा कोई बात नहीं। अच्छा दूध क्यों उबल रहा है भाई? इसलिए उबल रहा है कि मेरे साथ में तुम्हें मतलब अचानक से बताया कि कल ईद गदीर। अचानक से नहीं बताया है? बिल्कुल अचानक से नहीं बताया। ईद गदीर तो कंफर्म है ना? गदीर तो कंफर्म है, दावत कंफर्म नहीं। दावत ये था कि ईद गदीर वाले दिन रखें या शब में करें। सही है। तो अब हमारे साथ में कह दिए कि भाई कल दावत है रात में सबकी, तो अब जाहिर है अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो कल रात तक मुकम्मल होगी। सबसे पहले तो दूध चढ़ा दिए जिसकी दही जमेगी, जिसकी दही जमेगी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें गंदा हो रहा है। प्लीज 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 चूल्हा ना दिखाए। ये जो है दूध थोड़ा सा उबल गया। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बस अब वेट कर रहे। रात के खाने के बर्तन भी नहीं धुले अभी? अभी नहीं, वही देखे सब खाने नहीं साला निकले। हाँ, चलें तो आपको बच्चे से हम आपको। अच्छा यहाँ पर जो है ना सुबह हो गई थी और मम्मा जो है ना यहाँ पर क्या करी भाभी? हम जो है अपनी सास के जो है नाखूनों पर रग लगा रहे थे, जो हमें और हमारी सास को बहुत पसंद है। हाँ और अब जो है ये खाने पीने की चीज़ें आ गई हैं। सुबह जो है ना हम लोगों ने आँख खुलते ही जो है ना हमने क्या खाया है भाभी? ये टिक्का बोटी बनाई थी नाश्ते के साथ, ये हम लोगों ने खाई थी ये ईद वाले दिन। हाँ फिर जो है ना क्या कहते हैं कस्टर्ड आ गया था हमारी सबसे बड़ी वाली भाभी ने बनाकर मीठा भेज दिया था। फिर मैं कॉलेज पहुँच गई थी और कॉलेज पहुँचते ही देखे मुझे क्या मिले, इतने सारी चॉकलेट्स और केक जो है ना कट चुका था। लेकिन जो है ना मैंने आगे जो है ना केक कटने से पहले की मैंने पूरी वो डाली है, वीडियो डाली है, आप लोग ज़रूर देखिएगा उसको, वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है। और भाभी आप देखें मुझे कितने सारे चॉकलेट्स मिले। और कॉलेज में फंक्शन हो रहा था ईद गदीर का, हमारे यहाँ बहुत बहुत अच्छे से बहुत बड़े पैमाने पर सेलिब्रेशन होती है कॉलेज में, हर त्यौहार मनाया जाता है। ये नहीं कि ये हमारा त्यौहार है वो किसी और का त्यौहार है, हर त्यौहार मनाया जाता है और बहुत मज़ा आता है। और ये देखिए सब लोगों को केक मिल रहा है, इससे लग के सबको केक मिल रहा है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पर, जो बड़ा अच्छा लगता है जो मतलब इस टाइप की जो है खुशियाँ मनाते हैं हम सब लोगों के साथ मिलकर ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो अच्छा मज़ा आता है। और ये जो है ना केक कटने से पहले के मनाजिर हैं जो कि मुझे मेरे काजिम भाई ने यानी यहाँ के प्रिंसिपल के जो बेटे हैं सर काजिम, उन्होंने मुझे मतलब सेंड की थी वो वीडियो। और मैंने उनसे कहा था कि आप जो है ना लाजमी मुझे सेंड कीजिएगा क्योंकि इतना प्यारा उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था स्टूडेंट्स के साथ कॉलेज में और बहुत मज़ा आया था। उसके बाद उन्होंने हमें ईदी भी दी और जब मैं घर आई तो घर बाहर गली में एक हल्ला गुल्ला मचा हुआ था जैसे कि ये। और जो है ना कॉलेज से आने के बाद जो है ना मैं भूल गई थी कि हम ईद गदीर का व्लॉग भी बना रहे हैं। और ये देखें जनाब बोटियाँ गल गई हैं, बोटियाँ गल गई हैं। हाँ बिल्कुल गल गई हैं, जैसे लोगों की दाल गलती है ना वैसे हमारी बोटियाँ गल गई हैं। कब हम इसको रखेंगे बंद कर देंगे और हम मीठा चढ़ा देंगे। अब जी मेरे मीठा चढ़ गया, उसके अंदर मीठा चढ़ गया। अब हमारे चावल को पीस के और चावल को डाल। अच्छा यहाँ पर ना जर्दे का ऑर्डर हो चुका था, हमारे भाई ने किया था। और जब ये जर्दे वाले आकर हमारे गेट पे रुके तो क्या हुआ भाभी? और फिर हम लोगों ने कहा भाई हमारी यहाँ तो नहीं, आप कहीं और का जो है ऑर्डर लेकर आ गए। और क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं था कि ये जो है जर्दे का ऑर्डर दे चुके हैं। हम लोग ने घर में गुलाब जामुन वगैरह मंगा लिए थे और जो है मीठा हमने खीर वगैरह घर के अंदर खुद बना ली थी, तो इसलिए हम लोग को पता नहीं था। और अच्छा मज़े के बाद हम लोग को बताया भी नहीं, इसलिए हम लोगों को घर में थे ही नहीं वो जिन्होंने ऑर्डर दिया था। और ये मेरे भाई की बेटी है, माशाल्लाह से मेरी फेवरेट है ये बच्ची और बहुत मासूम है, बहुत बहुत क्यूट सी है, तो माशाल्लाह कहना मत भूलिएगा। अच्छा ये हमारा दस्तरखान है माशाल्लाह, मेहमान आ चुके थे, सब लोग आ चुके थे, जाहिर दावत थी घर में। टी वगैरह सबके जो है ना मेरे शॉर्ट्स रहेगा क्योंकि भाभी के जो है ना बेटे की, बड़े बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक ही, उसको बहुत ज़्यादा दर्द उठा था किडनी में, तो इसलिए हम लोगों को उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। तो इतना सही व्लॉग है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में बहुत याद रखें और हमारे बेटे को भी अपनी दुआओं में बहुत याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।